घर के बाहर का व्यू दिखाता हूँ। देखो फाइनली मम्मी को भी हमने कैमरा चलाना सिखा दिया। भाइयों से करवाता था, उनको तो भाई कितने टाइम में सिखाया, परफेक्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो गाइस, लास्ट मंथ मैं कोटद्वार गया था वेडिंग अटेंड करने। उस टाइम पे बहुत सारे व्लॉग बने बट अभी डले नहीं है, एडिट करके कंटिन्यू करूंगा। मैं इस बार फिर से जा रहा हूँ उत्तराखंड, बट इस बार कोटद्वार में नहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा ऊपर की साइड नानी के घर। सारे वहाँ पे आ रखे हैं एंड अभी जा रहा हूँ मम्मी पापा के साथ, और रेडी मैं हो चुका हूँ ऑलरेडी। सामान भी सारा पैक हो चुका है हमारा एंड अभी बस निकलना है। और ऑलरेडी वहाँ पे मामा और उनके बच्चे जो भी हैं सारे पहले से वहाँ पे पहुँच रखे हैं एंड इन्जॉय तो फुल करूँगा, क्योंकि ऊपर साइड जा रहा हूँ तो नेचर वहाँ पे ऑलरेडी सारी वादियाँ मौसम सब कुछ कैप्चर करूँगा, व्लॉग बनाऊँगा डेली व्लॉग्स, बट अपलोड नहीं कर पाऊँगा पहले यहाँ पे आके, फिर एडिट वगैरह करके फिर अपलोड करूँगा। तो पहले चलते हैं अपना बस अड्डा, उसके बाद निकलते हैं कोटद्वार, फिर वहाँ से ऊपर। क्या पता नाइट में रुकना पड़े हमें वहीं पे, अगर वहाँ रुकते हैं तो फिर सुबह निकलेंगे 12 बजे करीब तक। सो चलते हैं, मिलते हैं डायरेक्ट वादियों में। बाय। सो गाइस, फाइनली पहुंच गए NIT और खड़े हम टॉयलेट में, और चलते हैं बाहर, हमारी बस खड़ी है तो निकलते हैं। चलो गाइस, पहुंच गए थे हम रात में घर मामा जी के एंड अब फिर से निकल गए हैं, और सामान सारा पकड़ रखा, बहुत भारी हो रहा है, धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलो चलते हैं गाड़ी की तरफ, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं कि जल्दी आओ। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाए, हाय रे सांसों में बस जाए। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाए, हाय रे खुशबू ये महकाए। झर झर झरने गीत सुनाए। फाइनली अब रुके हम यहाँ पे पोखाल में, और काफी ज्यादा थक गए हैं, पूरे रास्ते भर पीछे बैठा दिया मुझे, आज आगे नहीं बैठ पाया और हालत ख़राब होगी भाई। सो रखा था मैं, नींद आ रही थी मुझे एंड अब थोड़ा सा और रह गया है, अभी पोखाल में रुके, 5 से 10 मिनट बाद यहाँ से निकलेंगे, देन फिर चलते हैं नानी के गाँव। सो गाइस, ये हमारी गाड़ी जिसमें हम कोटद्वार से बैठ के यहाँ तक आए एंड थोड़ी देर और रुकेंगे, फिर उसके बाद निकलते हैं जल्दी जल्दी। चलो चलते हैं। सो गाइस, पहुंच गए फाइनली नानी के गांव एंड ये नीचे जाने का रास्ता। देवों की गाइस, फाइनली पहुंच गए हम नानी के घर, और सामान पीछे और बाकी सारा गाड़ी के साथ भेज दिया है, नीचे से घोड़े आएंगे वो लेके जाएंगे। अभी 1 घंटा आधे घंटे का रास्ता पैदल पैदल चलना है, उसके बाद आएगा घर। न पाए इस मिट्टी में प्यार ऐसा, बारिशों की गीली बूंदें मन को भी
भिगोती जाए, हाय रे मन को भिगोती जाए। छुट्टियों की गोद में कल कल बहती हुई धाराएं, हाय रे। गाइस अभी आधे रास्ते में आया और अभी से ही हालत खराब हो गई। अभी तो बहुत आगे तक जाना है और यहाँ की रोड देखो, पैदल चलने की मज़ा ही कुछ और है, सुकून। जल्दी पहुँचते हैं घर में, आराम करने के बाद फिर निकलते कहीं पे ब्लॉग वगैरह शूट करने थोड़ा। मम्मी तो भाई थक गई, बैठ गई वहाँ पे। सो गाइस फाइनली मम्मी को भी हमने कैमरा चलाना सिखा दिया और मेरे सारे शॉट मम्मी ने लिए अपने हाथों से एक ही बार में। भाई बिल्कुल एकदम परफेक्ट, ऐसा लग रहा गिम्बल यूज़ कर रखा है। और वही भाइयों से करवाता था, उनको तो भाई कितने टाइम में सिखाया कि ऐसे करो ऐसे करो, बट यहाँ एक बार फ़ोन पकड़ाया, एक बार बताया कि सेंटर में होना चाहिए और पूरी वीडियो वैसी बनेगी सारी परफेक्ट। प्रेम सभी पर बरसाए भर पूरिया। नेचर चेक करो यहाँ पे, क्या मस्त नेचर हो रखा है, पूरा हरा भरा और पहाड़, क्या मस्त हो रहा है, हरियाली ऑक्सीजन पूरा। कोई भुला ना पाए प्रीत से जुड़ी रीत यहाँ की, दिल में घर कर जाए। यहाँ का भी चेक करो गाइस, एंड रास्ता नीचे हवाए का थोड़ा खतरनाक रास्ता, उसके बाद आ जाएगा घर। बहुत थक गए, जल्दी जाके भाई सोना है मैंने और कुछ नहीं करना, बस चित्त लौट के आना मुल्क ये मेरा तुझको। सो गाइस आ गया फाइनली घर और अब चलते हैं घर में एंड बैठ के थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और ये सामान घर। चलो चलते हैं आगे। सो गाइस फाइनली पहुंच गए घर और घर के बाहर का व्यू दिखाता हूँ। देखो मॉर्निंग होते ही भाई गेट खोलते ही व्यू ही मस्त, एकदम सूरज निकलता हुआ और खतरनाक। अब बस थोड़ी देर रेस्ट करते हैं या सोते हैं, खाना पीना खा के उसके बाद लेट जाते हैं। भाई नींद आ रही है बहुत खतरनाक, छोड़ न पाए